मित्र मेरे लिए क्या लेकर आए हो? चावल सुदामा जी से लेकर भगवान एक मुट्ठी जब ग्रहण करते हैं, पहली मुट्ठी एक मुट्ठी चावल खाते हुए भगवान ने सुदामा जी की तरफ देखा, वाह मित्र बड़ा स्वाद है इन चावलों में, बड़ी मधुरता है। दूसरी मुट्ठी चावल जब भगवान खाने लगे तो माता रुक्मणी जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया, हे द्वारिकाधीश क्या सब कुछ आप अपने ही मित्र का प्रसाद पूरा आप ही खा लोगे, हमारे लिए कुछ ना छोड़ोगे? भगवान पूरी पोटरी देते हैं और माँ सबको बांटती हैं। सुदामा जी बहुत दिन तक रहे, बातें हुई, बचपन को याद किया, भगवान की पत्नी के बारे में चर्चा हुई, विवाह के बारे में चर्चा हुई, और अब सुदामा उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, होके गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, बनवारी वो रोये उठाया राना के, बनवारी वो रोये उठाया राना के, कन्हैया उठा रोया रोया सुदामा के, कन्हैया उठा रोया रोया सुदामा के, जितना राधा रानी आज्ञा लेकर जाने लगे। बार बार सुदामा जी जाते हुए, सुदामा जी आज्ञा लेकर, अब मित्र आज्ञा दो, सुदामा जी चले हैं। कुछ दिया नहीं भगवान ने, पर ना देकर सब कुछ दे दिया। भगवान अपने भक्त को क्या देते हैं? सुदामा को कुछ नहीं दिया भगवान ने, पर तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। कुछ ना देकर भी भगवान ने एक मुट्ठी चावल लेकर और लोगों की संपदा सुदामा जी पर लुटाई। धन्य है सुदामा जी। प्रिय भक्तों, प्रिय भक्तों, सुदामा जी पर कृपा करके भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं। कुरुक्षेत्र सुदामा जी वहां गोपियों से मिले, जो कि पूर्व मैंने कहा देवकी माँ के 6 पुत्रों पर उनके जो पुत्र कंस ने मार दिए थे उन्हें लौटाए। प्रभु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, नव योगेश्वरों का संवाद। प्रिय भक्तों, 24 गुरु दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? मेरी माँ मैया, ओ मेरी माँ, कितने गुरु बनाए? 24। किस किस से सीखा? पृथ्वी वायु आकाश अग्नि, पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीनः पुंपिंगलः गुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेश कृत। पृथ्वी, चलो बताओ पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी सहनशील, पृथ्वी क्या है? हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी क्या हो? सहनशील। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु सुगंध दुर्गंध सब में रहती है, पर किसी में आसक्त नहीं होती।
लिप्त नहीं होती। सुख में दुख में सब में रहो, पर किसी के आदि ना हो जाओ। जैसे रखे भगवान वैसे रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, अग्नि को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अग्नि से क्या सीख मिलती है? जैसे अग्नि में आपने सब कुछ डाल दिया, सब जलाकर क्या कर दिया, स्वाहा, उसी तरह आपका कोई अपमान करे उसे भी जलाकर स्वाहा करो, कोई सम्मान करे उसे भी जलाकर स्वाहा। ना अपमान सही है। अच्छा बताओ, सम्मान और अपमान इन दोनों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? फटाफट उत्तर दो। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, क्या सही है क्या गलत है? सम्मान और अपमान में क्या सही है, अपमान या सम्मान? ना तो सम्मान सही है ना तो अपमान सही है। जो भक्त होते हैं वो सम्मान में उलझते नहीं। यदि आपने मेरा सम्मान किया तो सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आ सकता है। सम्मान हमेशा अभिमान प्रकट करता है। ये बात सही है या गलत है? आप किसी का सम्मान कर दो, अपने आप उसके अंदर बड़े का अभिमान जाग जाएगा कि जी मैं बड़ा हूं। हाँ या ना? मैया, सम्मान क्या देता है? अभिमान। और अपमान कर दो किसी का तो क्या मिलता है? आप किसी का अपमान करेंगे ना तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? आप किसी का अपमान करते हैं तो उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है, आपके लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अब बताओ, यदि आपका अपमान किया जाए तो आप के अंदर नफरत आएगी, और यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपके बदले आपके अंदर क्या आएगा, अभिमान आएगा। तो दोनों ही गलत चीजें दे रहे हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो सम्मान और अपमान को एक बराबर रखते हैं। ना सम्मान उन्हें चाहिए ना अपमान चाहिए, वो भगवत चिंतन में मस्त। इन दोनों से जो उठ गया वही यथार्थ देख पाएगा, ईश्वर तक पहुंच पाएगा। जिसलिए जन्म लिए हो वो सब चीजें तब दिखेंगी जब इनसे उठोगे। संत लोग हर स्थिति में प्रसन्न क्यों रह लेते हैं? क्योंकि वो सम्मान अपमान से ऊपर उठ चुके। और हम लोग किस में फंसे हैं? हम लोग किस में फंसे हैं? सम्मान में। हमें सम्मान की चाह है, इसलिए ना सम्मान की भूख हो ना अपमान का दुख हो। हर हाल में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो सम्मान अपमान से परे हो। ये बातें बड़ी गहरी हैं, आपको सुन तो ले रहे हो पर समझ में कितना आए वो तो भगवान जाने। यदि ये आपके चरित्र में उतर जाए तो आप खुद भगवान हो जाओ। मतलब ये इंसान को श्रेष्ठ बनाने की बातें हैं। यदि आप बनना चाहते हो तो ये सूत्र अपना लो, सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठ जाओ। भगवान कृष्ण का अपमान किया शिशुपाल ने, कितनी बार किया? जोर से 100 बार किया, और भगवान 100 बार सहते गए। सह गए ना, भगवान है कि नहीं? आप कितना अपमान सह सकते हैं अपना? हम 2-4 गालियों में ही आपा खो बैठते हैं। इसलिए हम इंसान हैं, वो 100 गालियां सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए वो भगवान है। यदि बातें समझ में आए, गले के नीचे उतर जाएं, तो तुम इंसान से भगवान हो जाओगे। जैसे पीपल का दाना, पीपल का बीज इतना सा होता है चींटी के मुंह बराबर, लेकिन इतने सिर्फ दाने में इतना विशाल पीपल का वृक्ष छिपा होता है। हाँ या ना? उसके लिए क्या करना पड़ता, उस दाने को मिट्टी में डालना पड़ेगा, अंकुरित तो होगा तब जाकर के वो अपना कार्य करेगा। तो जीवन में चाहिए सिर्फ ये कि हम महान यदि बनना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को, हम अपने स्वभाव अपने व्यवहार को
महान बनाए, बड़ा बनाए। चंद्रमा को गुरु, कबूतर को गुरु, अग्नि को, समुद्र को, भौरा को सबसे सीखा है। आखिरी में प्रभास क्षेत्र गए, सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए और भगवान की लीला 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान अपनी संपूर्ण लीला करके भगवत धाम जब जाने लगे, यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वालवाल सबको भगवान ने निज धाम, परम धाम सबको भेजा। सब परम धाम गए, लीला करने आए थे सो लीला करके चले गए। जब सभी भक्त जाने लगे तब भक्तों, जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम कहीं जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये प्रकट होंगी वहाँ वहाँ हम, जहाँ जहाँ भागवत जी होंगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम कहीं गए नहीं, हम तो भागवत जी में, भगवान कहीं जाते नहीं है, भागवत जी में समा जाते हैं। इसलिए जो भागवत सुनता है उसे भगवान की अनुभूति जरूर होती है। ठीक है मेरी माँ, तो आप भी अपने लिए भागवत जरूर सुनो, भागवत कराओ। भागवत जी की पोथी पाठन हो रही है वृंदावन की पावन धरा पर, 9 अप्रैल से आप जरूर आए, सुने और इसका लाभ लें। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला पूरी हुई, 125 वर्ष की, भगवान ने परम धाम सबको भेजा, पांव में बहेलिए ने बाण मारा, भगवान अपनी एक रूप से कण कण में समा गए, एक रूप से परम धाम गए। वो बहेलिया पिछले जन्म का बाली था, छिपके मारा था, बार बार कह रहा छिपके क्यों मारा, भगवान बोले अगले जन्म में तू भी मार लेना। जरा नाम का ब्याज था, भगवान को छिपके मारता, भगवान परम धाम को चले जाते। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया और कलयुग को रहने के परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्री आसूना। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग, जहाँ शराब होती है वहाँ कलयुग, जहाँ चरित्रहीन लोग होते हैं वहाँ कलयुग, और जहाँ मांस होता है वहाँ कलयुग। राजा परीक्षित को के सिर पर कलयुग बैठ गया, क्योंकि 5वां स्थान धन दिया, जो बेईमानी का धन है उस पर कलयुग मुकुट पर आकर बैठा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और आज 7वें दिन तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया, पर भागवत सुनी परीक्षित ने, इसलिए परीक्षित जी की परम गति सदगति हो गई और भागवत जी के कारण परीक्षित दुर्गति से बच गए, सदगति हो गई। भागवत जी हमेशा हमें दुर्गति से बचाती हैं और सदगति परीक्षित जी की हुई। वो भगवत धाम की ओर गए हैं, भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। परीक्षित ने 4 स्थान दिए, 4 चीजों से बच के रहना। जुआ में किसका स्थान है? कलयुग का, जुआ ना खेलना। शराब में किसका स्थान है? शराब ना पीना। स्त्रिया, पराई स्त्री, पराई पुरुष में कौन? कलयुग, बचना इन चीजों से। और मांस, बेईमानी। 7 दिन की कथा परीक्षित ने सुनी, उद्धार हुआ, भगवान अपने धाम गए। जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, यज्ञ बंद किया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, मेरे संग संग सभी बोली, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हम अपराधी हैं, पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं हम आपके हैं। हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल,
हमें स्वीकार कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए,